तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं हम लोगों की वाई डू वी फॉल इल वाले टॉपिक को. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी कि आपकी बॉडी में जब कोई डिसीज़ हो जाती है तो उस डिसीज़ के सिम्टम्स आपकी बॉडी में कब, कहाँ और कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, राइट. इस पर हम लोगों ने बातचीत की थी. हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग डिसीज़ के जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो आपको अलग अलग दिखते हैं. यानी आपको हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो आप लोगों का क्या कहते हैं बीमारी है उसका आपको जो सिंबल है वो सिंबल आप लोगों को देखने को मिले पेट में. हो सकता है किसी डिसीज़ का जो सिंबल है आपको देखने को मिले कहाँ पर, आपको लंग्स में या लीवर में. तो अलग अलग जो डिसीज़ेज होती हैं इन अलग अलग डिसीज़ेज के इसमें आपको उसके जो सिंबल्स होते हैं या जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो आप लोगों को अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं. ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी एक डिसीज़ का जो सिंबल है आप लोगों को एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है. हर जगह कोई भी बीमारी हो पेट दुखेगा, कोई भी बीमारी हो पेट दुखेगा, ठीक है, कोई भी बीमारी हो पेट दुखेगा, कोई भी बीमारी है सर दुखेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता. अलग अलग डिसीज़ के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, है ना, और अलग अलग जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स या अलग अलग टिश्यूज़ पे आपको देखने को मिलते हैं. अब देखो बीमारी तो हो गई है, राइट, बीमार तो हम पड़ गए हैं, फंगल इन्फेक्शन हम लोगों को हो चुका है ना. अच्छा, ये सब कुछ डन एकदम बढ़िया तरीके से. अब हमेशा हम बीमार तो नहीं रह सकते, हम लोगों को रिकवर भी तो होना है ना बीमारी से. आप बीमार रहोगे बेड पर आप या कोई भी, हम अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाएंगे, ठीक है. आप प्रॉपरली स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, पढ़ाई करते हो, होमवर्क करते हो, खेलते हो, टीवी देखते हो, गेम्स खेलते हो, कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर पाओगे. खाना तक इवन आप प्रॉपरली नहीं खा पाओगे, है ना. तो ऐसे केस में अभी क्या किया जाए, ऑब्वियस है बीमारी को ठीक किया जाए. अब इसमें क्या होता है, कई लोग खुद में खुद के डॉक्टर्स बनते हैं. जैसे थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो रहा है, केमिस्ट वाले के पास गए, है ना, केमिस्ट के पास जाकर उन्होंने कहा कि भैया मेरा पेट दुख रहा है मुझे दवाई दे दो. वो केमिस्ट वाले ने आपको पेट दुखने की, उल्टी आने की, सर दुखने की, पांव दुखने की, गला दुखने की सारी दवाइयाँ दे दी. आपने दवाइयाँ खा ली और आपको कुछ समय के लिए उन दवाइयों को खाने के बाद आपको अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा कि हाँ मैं ठीक हो गया. बट जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा ना, वापस से वही सारे मैनिफेस्टेशंस आपकी बॉडी में फिर से विजिबल होना शुरू हो जाएंगे. मतलब जो दवाई खाने के बाद आपका जो पेट दुखना ठीक हो गया था, उल्टियाँ आना जो बंद हो गई थी वापस से रिपीट होने लगेगा. फिर आप बोलोगे चलो मैं एक और दवाई खा लेता हूँ, आपको फिर से कुछ समय तक के लिए अच्छा लगेगा और फिर से आपको वही सेम चीज़ फिर से फील होने लगेगी. तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है जितने समय के लिए आप दवाई खा रहे हैं तब तक के लिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप दवाई नहीं खा रहे हैं तब आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको वापस से आपकी बॉडी में वही सारे सिम्टम्स फिर से अपीयर होने लगे हैं, ठीक है, वही सारे सिम्टम्स आप लोगों को, ठीक है, फिर से अपीयर होने लगे हैं, फिर से वही सारे सिम्टम्स. इसका मतलब हम जो दवाई का डोज ले रहे हैं खुद के डॉक्टर खुद बनकर, वो हमारी बॉडी में प्रॉपरली तरीके से क्या नहीं कर रहा है, इलाज नहीं कर रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि चलो एक काम करते हैं, अब डॉक्टर के पास जाते हैं. फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमको सर्टेन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना, और सर्टेन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद वो हमको कुछ दिनों का डोज देते हैं कि इतने दिन तक आप इसको खाइएगा, उतने दिन तक आप उसको खाइएगा, और फिर आप उसको जब खा लेते हैं तो आपको फिर अच्छा लगता है, मतलब अब मैं परमानेंटली ठीक हो गया हूँ, और फिर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो बीमार आप हो, और अब ऑब्वियस है कि अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ वापस से रीगेन कर लेते हो. तो कैसा है, जब भी अपन बीमार होते हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के, उसको ट्रीट करने के टोटल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, ठीक करने के होते हैं दो वेज, देयर आर टू वेज, ठीक है. हमें वैसे खुद डॉक्टर कभी नहीं बनना चाहिए,
राइट हमें हमेशा प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से ही बातचीत करनी चाहिए, गूगल को भी अपना डॉक्टर नहीं बनाना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही मेडिसिन लेनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि जब हम बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद जब हम ठीक हो जाते हैं तो ठीक होने वाली जो ये प्रोसेस है ये दो तरीके से काम करती है। जो तरीका नंबर वन होता है वो तरीका नंबर वन ये रहता है, आप जब डॉक्टर के पास गए आपने बोला मेरा बहुत पेट दुख रहा है, मुझे बहुत उल्टी आ रही है, मेरा सर फट रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करता है उन सिम्टम्स को देखने के बाद आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ देता है, ठीक है, ताकि आपको जो मतलब सिम्टम्स जो आपको दिख रहे हैं, जो आपको तकलीफ हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, उस तकलीफ को वो कम कर सके ताकि आपको मेंटली बेटर लगे कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक है। वो उस सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, जैसे अगर आपको बहुत तेज बुखार है तो आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपका बुखार क्या हो जाएगा, जिससे आपका बुखार कम हो जाएगा ताकि आपको बेटर फील हो। बट इट डजंट मीन्स कि आप ठीक हो गए हो, नहीं आप ठीक नहीं हुए हो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो बुखार कॉज करने वाला माइक्रो स्टिल अभी भी है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो बुखार कॉज करने वाला माइक्रो स्टिल अभी भी है। डॉक्टर ने आपकी सिर्फ और सिर्फ दवाई दी है बुखार को, टेम्परेचर को रिड्यूस करने की, उस माइक्रोब को मारने की दवाई नहीं दी, क्योंकि अगर आप उस माइक्रोब को नहीं मारोगे तो कुछ देर बाद जैसे ही आपका फीवर ठीक होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप ठीक हो गए हो, जैसी दवाई का असर ख़त्म होगा वो वापस से बुखार आ जाएगा, यार वापस से बुखार आ जाएगा। तो एक्चुअली डॉक्टर जब भी किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं उनके दिमाग में दो आइडियोलॉजीज रहती हैं। आइडियोलॉजी नंबर वन कि पहले उस बीमारी के सिम्टम्स जो दिख रहे हैं, ठीक है, जो विजिबल हो रहे हैं, उन सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाए ताकि पेशेंट को अच्छा फील हो, और दूसरा साइमल्टेनियसली उसकी वो दवाइयाँ भी शुरू की जाए जिससे वो उस डिसीज़ को कॉज करने वाले माइक्रोब को मार सके, ताकि दवाइयों का डोज ख़त्म होने के बाद, ठीक है, दवाइयों का डोज ख़त्म होने के बाद वो पर्टिकुलर पेशेंट वापस से फिर से बीमार ना पड़े। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा दो चीज़ों पे रहता है। पहला होता है कि आप लोगों को रिड्यूस करना है इफ़ेक्ट ऑफ द डिसीज़, मतलब जो भी डिसीज़ हुई है उसका जो भी इफ़ेक्ट है, किसी डिसीज़ में बुखार आ जाता है, किसी डिसीज़ में बॉडी में बहुत पेन होता है, किसी डिसीज़ में उल्टियाँ आती हैं, किसी डिसीज़ में लूज मोशन हो जाता है, जो भी उस डिसीज़ का इफ़ेक्ट है, जो उसके सिम्टम्स हैं, जो विजिबल हैं, उनको कम करना ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले, उसे अच्छा लगे। और दूसरा साइमल्टेनियसली प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट का दूसरा मेथड होता है ये है कि जिस माइक्रोब ने उस डिसीज़ को कॉज किया है उस माइक्रोब को ही जड़ से ख़त्म कर देना, ठीक है, बराबर, ताकि आफ्टर सर्टेन डोजेस आपको ऐसा ना लगे कि यार मैं फिर से बीमार पड़ गया, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो जब हम लोग क्या करते हैं किसी केमिस्ट के पास जाते हैं और केमिस्ट के पास जाके जब हम दवाइयाँ ले लेते हैं कि भैया मुझे दवाई दे दो, मुझे ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, केमिस्ट आपको दवाई दे देता है, आप दवाई खा लेते हो, तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के जो दो स्टेप्स हैं क्या आप उन दोनों स्टेप्स को फॉलो करते हो? नहीं, आप उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप को फॉलो करते हो, वो कौन सी, सिम्टम्स को रिड्यूस करने की। तो हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए वो सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं, बट जब आप लोगों के बॉडी में फिर से वो सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं तो आपको लगता है हाई, मैं बीमार हो गया फिर से। तो एक्चुअली जब आप अपनी बॉडी का ट्रीटमेंट कराते हो तो ये दोनों स्टेप्स को फॉलो करना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। पहला सिम्टम्स को रिड्यूस भी करना होता है और साथ ही साथ में माइक्रोब्स को क्या करना होता है, किल भी करना होता है, मारना होता है। अब माइक्रोब ऐसे तो है नहीं, करे देखो देखो वहाँ पे एक माइक्रोब है, मारो 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 इसको, देखो देखो वहाँ पे एक माइक्रोब है, इसको मारो, जैसे अपन को मच्छर दिखता है, मच्छर कैसे मार देते हैं। तो वैसे हमारी बॉडी के अंदर में जो माइक्रोब डिसीज कॉज कर दिया है उस माइक्रोब को आप कैसे मारते हो? तुम बोलोगे कि मैडम दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों से माइक्रोब मर जाता है,
बट यार तुम्हारी बॉडी में जो दवाई है वो पेट में जाने के बाद पूरे ब्लड में फैलने के बाद वो माइक्रोब को आखिर मारती कैसे है, ठीक है, वो दवाई काम कैसे करती है। तो देखो जब भी किसी भी बीमारी की कोई वैक्सीन आती है, किसी भी बीमारी की जब कोई मेडिसिन आती है, तो वो ऐसी नहीं आ जाती हवा में, ठीक है, कि लोग कुछ भी मिक्स कर दिया, कुछ भी मिक्स करके कुछ भी कुछ बना के आप लोगों को दे दिया, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर रिसर्च होती है, ठीक है, प्रॉपर रिसर्च होती है कि जिस माइक्रोब ने वो डिसीज कॉज की है उस माइक्रोब का स्ट्रक्चर कैसा है, वो माइक्रोब कैसा दिखता है, वो माइक्रोब एक फंगल है, वो एक प्रोटोजोआ है, या फिर वो एक बैक्टीरिया है, या वो एक वायरस है, ये सारी प्रॉपर तरीके से स्टडी होती है। क्योंकि हर माइक्रोब के काम करने का, मैं बता दूं, तरीका अलग होता है, हर माइक्रोब के काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे डॉक्टर्स लोग जब बॉडी की सर्जरी करते हैं तो ऐसा तो है नहीं ना कि कोई भी डॉक्टर किसी भी ऑर्गन की सर्जरी कर लेता है, नहीं, MBBS करने के बाद आपको प्रॉपरली मास्टर्स करना पड़ता है, आप लोगों के उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। जैसे कोई किडनी का करता है स्पेशलाइजेशन, तो वो डॉक्टर स्पेशलाइज होता है किडनी की सर्जरीज करने में पूरी तरीके से। कोई हार्ट का करता है तो वो अपने हार्ट की सर्जरी करने में कम्प्लीटली स्पेशलाइज होता है, उसको उसका सब कुछ पता होता है। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर सारी चीज़ों की सर्जरी कर रहा है, ब्रेन की भी कर रहा है, हार्ट की भी कर रहा है, किडनी की भी कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअली आपकी जो डिसीज़ है वो कौन से माइक्रोब्स ने कॉज की है ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से सर्जरी अलग अलग तरीके, ऑर्गन्स अलग अलग हैं, उनके सर्जरी करने के तरीके अलग अलग हैं, डॉक्टर्स अलग अलग हैं, वैसे ही डिसीज़ करने वाले माइक्रोब्स के रहने का, खाने का, बढ़ने का, ग्रोथ करने का, सर्वाइव करने का, मरने का, अटैक करने का, सब कुछ तरीका अलग अलग है, ठीक है, सबका तरीका अलग अलग है। जैसे बैक्टीरिया हो सकता है किसी की बॉडी में 5 दिन तक जिंदा रहता है, जैसे हमें लगता है कि हमने दवाई खा ली और बैक्टीरिया मर गया, लेकिन वो एक्चुअली में 5 से 6 दिन बाद कंप्लीटली मरता है, तो डॉक्टर हमें 5 से 6 दिन की दवाई देगा। हो सकता है कि कोई एक ऐसा माइक्रोब हो जो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 3 दिन में ही मर जाता है, तो डॉक्टर हमें फिर 3 दिन की दवाई देगा। क्यों 6 दिन की क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो पर्टिकुलर माइक्रोब को मारने के लिए यार 6 दिन की दवाई खाने की नीड ही नहीं है, 3rd दिन में ही आके मर जाता है। तो एक्चुअल में आपको माइक्रोब वो जो डिसीज कॉज कर रहा है उसके पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसकी बायोलॉजी, उसकी इंग्लिश, हिंदी, उसके सब कुछ उसके बारे में आपको जानना रहता है, तभी आप एक प्रॉपर मेडिसिन सिंथेसाइज कर पाते हो, बना सकते हो, ताकि वो माइक्रोब को आप क्या कर सकते हो, मार सको, ठीक है, ताकि आप उस माइक्रोब को क्या कर सको, मार सको। अब जैसे हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, हमारे बीमार पड़ने के 2 बहुत बड़े रीजंस होते हैं। पहला रीज़न होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब किसी बैक्टीरिया की वजह से आप बीमार पड़ गए, और दूसरा रीज़न होता है वायरल इन्फेक्शन, आप किसी वायरस की वजह से बीमार पड़ गए, ठीक है। एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक होता है वायरल इन्फेक्शन। तो अगर आप बोलोगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी इतने दिन की दवाई खाएंगे, आप बोलोगे नहीं मैडम वायरल इन्फेक्शन के लिए भी उतने दिन की दवाई खाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। वायरल इन्फेक्शन के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया हर माइक्रोब का लाइफ साइकिल, ग्रोथ साइकिल, अटैक साइकिल, सब कुछ अलग अलग होता है ना, वो कम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो जैसे वो हैं, हमें उसकी डिसीज़ को हटाने के लिए उस तरीके का हमको क्या करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है कि इसको ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया है, अगर किसी को ऐसी बीमारी हो जाए जो कि बैक्टीरिया की वजह से हुई है, तो बैक्टीरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए जब हम दवाई खाते हैं, यानी कि ड्रग, मेडिसिंस आर ऑल्सो ड्रग्स, ड्रग्स सुन के ऐसा मत सोचना कि हाय राम ड्रग्स, देखो ड्रग्स का मतलब होता है बेसिकली केमिकल्स। कुछ ड्रग्स अगर आप अच्छे ह्यूमन के अच्छाई के लिए यूज़ करो देन इट इज़ गुड, अगर आप बुराई के लिए यूज़ करो देन इट इज़ ऑल्सो बैड,
तो बेसिकली ड्रग्स मीन्स केमिकल्स, तो वो गुड भी हो सकते हैं, वो बैड भी हो सकते हैं, डिपेंड कि आप उसे कैसे यूज करो। तो देखो जो ड्रग्स होते हैं, जो दवाइयाँ आप खाते हो, वो बेसिकली क्या करते हैं, जब दवाई हम खा लेते हैं और हमें कोई ऐसी बीमारी हुई है जो बैक्टीरिया की वजह से हुई है, तो वो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जो तरीका है काम करने का, उस तरीके को बेसिकली वो लोग क्या कर देती है, वो दवाई जाकर ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या नहीं कर पाता है, काम नहीं कर पाता है, ठीक है। और यही काम वो लोग सिमिलरली प्रोटोजोआ के साथ भी करते हैं। लेकिन लेकिन जब हम लोग किसी ऐसी बीमारी से परेशान हैं जो वायरस की वजह से होती है, जैसे अभी करोना वायरस, तो करोना वायरस या किसी भी वायरल वाली बीमारियों की दवाई ढूंढना या फिर मैं कहूँ कि दवाई बनाना कठिन होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल। क्यों मैडम, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायरस जो होते हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, ठीक है, बराबर, उनके अपना खुद का काम करने का कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब अपन ये बोलें कि अच्छा वायरस इस तरीके से काम करता है, ऐसे अटैक करता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वायरस के खुद के काम करने का कोई तरीका ही नहीं है। ये हमारी खुद के, हमारी जो खुद की हमारी बॉडी है, ये हमारी खुद की बॉडी की मैकेनिज्म को यूज़ करता है खुद के ज़िंदा रहने के लिए। तो मतलब अगर कोई आप दवाई खा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं वायरस के मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, तो आप वायरस के मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो, आप अपनी बॉडी के सेल्स के मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि वायरस का खुद का कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। तो जब आप अपनी सेल के मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हो, तो बेसिकली आप अपने खुद की बॉडी को हार्म पहुँचा रहे हो। तो ऐसे में हम लोगों के लिए एक बहुत ही कठिन सिचुएशन होती है हमारे आँखों के सामने कि आपको एक ऐसी दवाई बनानी है जो आपके वायरस को भी हटा दे आपकी बॉडी से, लेकिन आपकी बॉडी पे कोई असर भी ना पड़े, राइट, ऐसी कोई असर भी ना पड़े। सो देयरफोर हम लोगों के जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जो नई नई बीमारियां आ जाती हैं वायरसेस की वजह से, उनको ठीक करने में, उन्हें कंट्रोल करने में हमें वक्त लगता है, क्योंकि वायरस का अपना खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपके दो पैराग्राफ्स हैं, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट से। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से टीचर आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन मेकिंग एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। ये तो भैया पहला क्वेश्चन आ गया कि क्यों वायरल मेडिसिन को बनाना ज़्यादा कठिन है एज कम्पेयर टू एंटी बैक्टीरियल। तो इसका रीज़न हम क्या देंगे, पॉइंट नंबर वन, वायरस है फ्यू बायो केमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। ये पॉइंट नंबर वन कि इनकी अपनी खुद की कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो सेल की मैकेनिज्म है उसको ही यूज़ करने लगते हैं ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है, बराबर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों को दवाई खाते हैं तो हम लोग वो सोचें कि अच्छा यहाँ पे वायरस को अटैक करें, तो बेसिकली हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि वायरस बहुत ही कम आपको ऐसा लगेगा कि आप वायरस पर अटैक कर रहे हो, बेसिकली आप अपनी बॉडी पे ही अटैक कर लेते हो, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है, दिस इज़ योर पॉइंट नंबर थ्री। फिर हम पॉइंट नंबर चार में ये लिखेंगे, देयरफोर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एंटी वायरल मेडिसिन एज कम्पेयर टू एंटी बैक्टीरियल वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों का है। और उसके अलावा ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ख़त्म होता है। अच्छा, और पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ये आता है। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में टोटल दो स्टेप्स होती हैं, पहला सिम्टम को रिड्यूस करना और दूसरा माइक्रोब को किल करना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट वाला एग्जाम्स में पूछा जाता है। बट इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो मैंने आप लोगों को जो बायोलॉजी के नोट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट वाला आंसर है, तो जैसा उसमें है आपको वैसा ही लिखना है।
तो आज की क्लास में हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल की क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ये वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर रोकते हैं।